फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंडी बैंकर वर्ल्ड। तो गाइस यहां पर आप सबको देखने को मिल रहा होगा कि यस बैंक ये किस्मत चमकाने वाला शेयर बन चुका है यहां पर, जब से एसबीआई ने यहां पर एंट्री ली है, गवर्नमेंट ने दखल दिया है और कुछ बैंक्स ने मिलकर इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। और यहां पर जब से इसको ब्लॉक कर दिया गया है कि आप सिर्फ इसमें एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट नहीं कर सकते हैं 3 साल से पहले, और आप अगर बेचना चाहें तो 100 शेयर में से आप 75 शेयर यहां पर आपके ब्लॉक कर दिए जाते हैं और 25 शेयर आप बेच सकते हैं, यानी कि 75% शेयर आप यहां पर होल्ड पर रखना ही होगा 3 साल तक। यहां पर आपको सेलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और 25% शेयर आप अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वहां पर निकाल भी सकते हैं। और यहां पर आपको देखने को मिला होगा जिस शेयर ने 5.65 रुपीज का लो बनाया था, तो 6 दिन की ट्रेडिंग सेशन के अंदर यहां पर देखा गया है कि अब ये शेयर यहां पर 60 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले टाइम में यही आप मान सकते हैं कि 300 नहीं 500-600 रुपए भी जा सकता है अगर इसी तरह से अमाउंट को ब्लॉक रखा गया, तो यहां पर सभी के वारे न्यारे हो सकते हैं। और अगर किसी ने 10 रुपए पर भी इस शेयर में 1 लाख रुपए भी लगाया होगा और ये अगर शेयर 3 साल में आपको 600 अगर इस तरह से ब्लॉकिंग होती रही और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चलता रहा तो ये आपको 900 क्या 1000 रुपए भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है और यहां पर आप करोड़पति भी बन सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर। तो गाइज यहां पर आपकी किस्मत चमकाने के लिए यही स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है कि आपका शेयर यहां पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बस अमाउंट आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करिएगा जितने अमाउंट की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक सैलरी है जिससे आपका सब कुछ चल जाता है, यानी सारे खर्चे आपके वहां से निकल आते हैं, और एक आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है तो वहां से आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अभी भी मौका है, अभी भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। प्राइस भले ही यहां पर थोड़ा सा ऊपर आ चुका है लेकिन अभी भी वहां पर तेजी की उम्मीद काफी ज्यादा बनी हुई है। अगर अभी भी आप एंट्री लेते हैं तो आप वहां पर 10 गुना प्रॉफिट भी बुक कर निकल सकते हैं आने वाले 3 साल के अंदर। तो अभी भी चांस है, आप इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। आपका अमाउंट है, आपकी मर्जी है, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। जो चीज मुझे मालूम है यहां पर तो बस यही है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहां जा रहा है और ब्लॉक कर दिया गया है, अगर इन्वेस्टमेंट आप नहीं निकाल सकते हैं, जितने भी इन्वेस्टर यहां आएंगे किसी का भी पैसा वापस तो निकल नहीं पाएगा। ये चीज गवर्नमेंट ने बैंक को बचाने के लिए ही की है और बैंक इसी तरह से बच सकता है क्योंकि वही पैसा जो एक इन्वेस्टर का पैसा है उसी को इस्तेमाल किया जाएगा बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। तो यहां पर उसी पैसे से फिर से बिजनेस शुरू किया जाएगा और यहां पर आपको जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए और प्रॉफिट लेने की उम्मीद यहां पर आप 3 साल के लिए बनाकर रखें। तो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।